नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर। सपने हमें भविष्य के बारे में कुछ संकेत देते हैं और हमारे चाहने वाले जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमें सपनों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अक्सर सपने में लोगों को अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं या फिर आप उन्हें अभी भी भूल नहीं पाए हैं। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार मरे हुए लोगों के सपने में आने के और भी कई कारण होते हैं, क्योंकि सपने हमें भविष्य के बारे में कुछ संकेत देते हैं और हमारे चाहने वाले जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमें सपनों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जानिए मृत लोगों के सपनों का क्या होता है मतलब। अधिकतर लोग रात में सोते समय सपने देखते हैं। कुछ सपने हम सुबह उठने के बाद भूल जाते हैं, वहीं कुछ हमें याद रहते हैं। स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने ऐसे ही नहीं आते, हर सपने का कुछ न कुछ अर्थ होता है। सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही संकेत दे देते हैं। ये अच्छे संकेत भी हो सकते हैं और बुरे भी। यहाँ आप जानेंगे मरे हुए लोगों के सपनों के बारे में। अक्सर लोग उन लोगों को सपने में देखते हैं जिनकी मौत हो चुकी होती है। जानिए क्यों आते हैं ऐसे सपने। यदि आपका कोई करीबी सदस्य बीमार होने के कारण मरा है और वो सपने में बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन में खुश है। अतः वो आपको सपने के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप भी उसके बारे में भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। यदि मृत व्यक्ति सपने में आपको गुस्से में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे किसी चीज की मांग कर रहा है। हो सकता है कि उस व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो जिसे वो आपके माध्यम से पूरी करना चाहता हो। ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, जिसकी वजह से आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और वो आपको गलत काम करने से रोक रहे हैं। अगर मृत व्यक्ति सपने में खुश दिखाई दे रहा है तो ये शुभ सपना है, वहीं अगर रोता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये सपना भी शुभ है। ये सपना इस बात का संकेत है कि आपको किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि मृत व्यक्ति सपने में आकर आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि मृत व्यक्ति सपने में बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह असंतुष्ट है। ऐसे में आपको उसकी आत्मा की शांति के उपाय करने चाहिए। यदि मृत व्यक्ति सपने में शांत रहकर आपको देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी गलत काम को करने से रोक रहा है। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति सपने में आपको बिना कपड़ों या बिना जूते चप्पल के या भूखा दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इन चीजों का दान कर देना चाहिए। मृत व्यक्ति अगर सपने में आशीर्वाद दे रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने किसी कार्य में बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। अगर मृत व्यक्ति सपने में बिना कपड़ों के, बिना जूते चप्पल के या फिर भूखा दिखाई दे, तो आपको वस्त्रों, खान पीने की वस्तुओं का और जूते चप्पलों का दान कर देना चाहिए। यदि मरा हुआ व्यक्ति बहुत दूर आकाश में दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। सपने आना चिंता की बात नहीं, ज्यादातर मृत लोगों का सपने में आना चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होना इस बात का संकेत है कि मरने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा है या फिर आपके मन में उनकी स्मृतियां जिंदा हैं।
यदि आपको इस प्रकार का कोई सपना दिखता है तो बस उन लोगों से सपने में मिलकर आगे बढ़ जाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान यदि आपके सपने में पूर्वज प्रसन्न मुद्रा में या आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं और वो आपके श्राद्ध को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा सपना आपके भविष्य के लिए भी शुभ होता है और इससे आपके लिए कुछ धन लाभ या नई नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं। अगर आपको पितर शांत मुद्रा में दिखाई देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपका कोई रुका हुआ काम जल्दी ही बन सकता है। पितृ पक्ष में आने वाला ऐसा सपना ये बताता है कि पूर्वजों ने आपका पिंड दान स्वीकार कर लिया है और उन्हें मुक्ति मिल गई है।